भोपाल से आने जाने वाली ट्रेन में चाकू और डंडा से यात्रियों को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गैंग सीआरपी भोपाल के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए 6 आरोपियों ने 26 मार्च को फरियादी राजेश सोनी निवासी गंजबा सौदा की शिकायत पर बिलासपुर भोपाल पैसेंजर में भानपुर ओवर ब्रिज के पास रेलवे स्टेशन भोपाल आने के पहले ट्रेन धीमी होने पर अज्ञात 4 आरोपियों ने चाकू से हाथों पर चोट पहुंचा कर फरियादी का बैग लूट कर चलती ट्रेन से कूद कर भाग गए। फरियादी का बैग जिसके अंदर नकदी 3 लाख रुपए सोने के रखे हुए थे। सीआरपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साधनों से आरोपियों का पता लगाया है और लूटे गए रुपए और सोने के आभूषण घटना में इस्तेमाल एक्टिवा को बरामद कर लिया। टीआई जहीर खान ने बताया कि 2 आरोपी गंजबा सौदा के रहने वाले हैं जबकि 4 आरोपी पुराने भोपाल के हैं। गंजबा सौदा में रहने वाले आरोपियों ने पहले फरियादी की रेकी की थी, उसके बाद चलते ट्रेन में चाकू अड़ाकर वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों में आदिल शाहरुख सहित अबूजर सहित एक नाबालिग शामिल है। वो जो गंजबा सौदा वाले लोग थे, दोनों जनों ने रेकी की, वो राजेश सोनी को जानते थे और राजेश सोनी भी संभवतः उनको जानता था, ऐसा उनको था, इसलिए वो सामने भी नहीं आया। मतलब रेकी इसी दरमियान हाँ, इन्होंने बाकी लोगों ने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और वो जो 2 रेकी वाले थे वो भी उसी ट्रेन में थे, लेकिन वो सामने नहीं आए क्योंकि वो भी रहने वाले गंजबा सौदा के थे, राजेश सोनी भी रहने वाला गंजबा सौदा का था, तो उनको ऐसा अंदाजा था कि राजेश सोनी उनको जानता है। अभी जितनी हमने पूछताछ करी है अभी उतने में तो ये तो खुलासा हुआ भी है। अभी हमारे पास और आरोपी है, अभी जो आज पे पकड़ा गया उससे भी पूछताछ कर रहे हैं गंजबा सौदा का कि इस तरह की पहले कोई घटना हुई है तो उसका भी खुलासा होगा। अच्छा, इसमें राजेश सोनी